जिला अस्पताल आगरा में हड़कंप की स्थिति देखने को मिली। सीएमएस डॉक्टर अशोक कुमार अग्रवाल अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ जिला अस्पताल के औचक निरीक्षण के लिए निकल पड़े। सीएमएस सबसे पहले जन औषधि केंद्र पहुंचे, यहां पर उन्होंने दवा ले रहे मरीजों से वार्ता की। सीएमएस ने एनआरसी वार्ड की स्थिति को जानने के लिए पहुंचे, यहां पर कितने बच्चे भर्ती हैं ये देखा, साथ ही बच्चों के परिजनों से भी वार्ता कर सुविधाओं की जानकारी ली। जो कमियां एनआरसी वार्ड में दिखाई दी उन्होंने तुरंत वहां तैनात चिकित्सकों और स्टाफ से उन कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। सीएमएस एके अग्रवाल डेंगू और मंकी पॉक्स मरीजों के लिए बनाए गए वार्ड की तरफ निकल गए। यहां पर उन्हें रास्ते में जल भराव दिखाई दिया, टंकी से लगी पाइपलाइन लीकेज कर रही थी। इसे देखकर सीएमएस ने नाराजगी जताई, साथ ही इस व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वहां पर विकलांगों के लिए जो टॉयलेट बना हुआ था उसको देखा तो वहां गंदगी दिखाई थी। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए डॉक्टर एके अग्रवाल ने अधीनस्थ सफाई स्टाफ को बुलाकर उसे तुरंत साफ कराने के निर्देश दिए। जिला अस्पताल के सीएमएस अशोक अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से शनिवार को एक विशेष टीम जिला अस्पताल का निरीक्षण करने एवं पीको वार्ड की व्यवस्थाओं को देखने के लिए आ रही है। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में टीम ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर पीको वार्ड में लगे वेंटिलेटर अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेगी। इसलिए आज औचक निरीक्षण कर छोटी मोटी खामियां थी उन्हें दूर कराया गया है, जिससे जिला अस्पताल में आने वाले हर मरीज को बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से राजा सूर्यवंशी की रिपोर्ट। सर, ये उत्तर प्रदेश शासन से आदेश आए थे कि 19-20 को हमें मॉक ड्रिल करनी है ऑक्सीजन प्लांट की और पीको वार्ड की, और एक फायर ड्रिल का भी था, तो उसके लिए इंतजाम किए गए हैं सर। वैसे तो यहाँ के एडिशनल डायरेक्टर आ रहे थे हमारे आगरा रीजन के, लेकिन अभी अभी थोड़ी देर पहले सूचना आई है कि ACS महोदय स्वयं आ रहे हैं लखनऊ से यहाँ पर, तो कल 10 बजे के लगभग वो आएंगे। इसके बाद मॉक ड्रिल चालू हो जाएगी हमारे यहाँ पीको की और ऑक्सीजन प्लांट की, और फायर ड्रिल होगी सर। हाँ सर, निरीक्षण तो ये बड़े अधिकारी हैं सर, पूरा मालिक होते हैं, कहीं जाएंगे तो दिखाना पड़ेगा। हमारी व्यवस्था वैसे तो ठीक है और थोड़ा ध्यान दे रहे हैं सर आज हम। कमियां तो ये है सर, एक रनिंग वो कहते हैं ना, सर्विस होती है गाड़ी व्हीकल की, तो रनिंग टाइम BLTR तो होता रहता है हर चीज़ का, तो वो देखना ही पड़ता सर। थोड़ी सी व्यवस्था नहीं थी तो बता दिए, भी कर देंगे चलो, मेजर फॉल्ट कोई नहीं मिला। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के Facebook, Twitter, Instagram पेज को भी फॉलो करें।